हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में पंजाब राज्य की 110 मेगावाट शानन विद्युत परियोजना के 132 केवी स्विचयार्ड में अचानक ब्लास्ट हो गया। बुधवार को जोगिंद्रनगर शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर परियोजना के सबसे बड़े स्विचयार्ड में हुए इस हादसे से परियोजना प्रबंधन की भी सांसें फूल रही है। इससे पहले कोई बड़ा नुकसान हो जाता, मौके पर मौजूद परियोजना के तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भड़की आग पर काबू पाया। परियोजना के तकनीकी कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार स्विचयार्ड की एक पीटी में ट्रिपलिंग हो जाने से ईंधन में आग लग गई, जिसे मौके पर मौजूद तकनीकी कर्मचारियों ने करीब 30 मिनट की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। वहीं बुधवार दोपहर करीब 12 बजे के बाद शानन परियोजना में हुए इस हादसे के बाद आसमान में आग की लपटें व धुएं के गुबार देखकर शहर भर में हलचल रही। आसमान में अंधेरा व काले धुएं के गोला देखकर हर कोई दंग रह गया। शानन परियोजना के स्विचयार्ड में ब्लास्ट के बाद भड़की आग की सूचना शहर भर में फैल जाने के बाद दमकल विभाग के जवान भी फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। गौरतलब है कि शानन परियोजना के 132 केवी स्विचयार्ड से न केवल बल्कि साथ लगते बाहरी राज्यों को भी बिजली आपूर्ति होती है। स्विचयार्ड की जिस पीटी में आग लगी उसमें करीब 20 लीटर ईंधन मौजूद था। ऐसी करीब 100 पीटी स्विचयार्ड में मौजूद है जिनमें करीब 2000 लीटर ईंधन मौजूद था। ऐसे में अगर समय पर आग पर काबू न पाया जाता तो स्विचयार्ड भी जलकर राख हो जाता।